एक भूले हुए गांव में जहां एक संरक्षक रहता था जिसकी कहानी समय के साथ भूला दी गई। यह है होलिका दहन की कहानी और संरक्षक की जिसने गांव को अंधकार से बचाया। बहुत पहले चंद्रपुर गांव फलफूल रहा था लेकिन गांव वासियों के अचानक गायब होने की खबरें आने लगी। ऐसी अफवाह थी कि कोई शक्ति उन्हें आसपास के जंगलों के अंधेरे में ले जा रही है। हर गायब होते इंसान के साथ गांव वासियों के दिलों में डर और अधिक बढ़ गया। निराशा के बीच संरक्षक जिसका नाम विक्रम था उसने सत्य को खोजने का निर्णय लिया। साहस के साथ जंगल से गुजरा। उसका संकल्प खामोश जंगलों के बीच से गुजरता था एवं अंधकार के आसपास आ रही उम्मीद का एक प्रकाश था। जहां विक्रम एक जादूगर से मिला जो गांव वासियों के गायब होने का कारण था लेकिन विक्रम ने जादूगर और उसके अंधकार के आगे झुकने से इनकार किया। होलिका दहन की रात को जब जादूगर ने जंगल के अंधकार को गांव में खोल दिया तो विक्रम ने मजबूत संकल्प के साथ जादूगर और उसके अंधकार को हराया, अपने गांव को बचाया। उसके बाद होलिका दहन की लौ उत्साहपूर्वक नाची जिससे गांव वासियों के चेहरे हर्ष से भरे थे। जैसे ही सूर्योदय हुआ चंद्रपुर नया जीवन लेकर सामने आया। होलिका दहन अब बुराई पर जीत के चिन्ह के रूप में और मानव आत्मा की दृढ़ता के रूप में मानी जाती है। गांव वासियों ने उत्साह के साथ खुशी मनाई। उनका विक्रम में विश्वास पुनः स्थापित हो गया और नई आशा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हालांकि विक्रम की कहानी लुप्त हो सकती है लेकिन उसके साहस और सहनशीलता की आत्मा जीवित है जो जंगल की हवाओं में और होलिका दहन की लौ में गूंजती है। उसकी विरासत जीवित है। वीरता, दयालुता और मानव आत्मा की अदम्यता की शक्ति का यह एक यादगार संदेश है।